अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कोरमा। आधा किलो बोनलेस मटन लिया है, धोकर पीसेस काट दिए हैं। इसमें एक टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट के साथ 12 हरी मिर्चियाँ मैंने पीसी है, ये ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे सीटी बजने के बाद से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे। बारह बादाम है, 15 काजू है, 15 पिस्ते हैं। पानी डाल के ग्राइंड करेंगे इसको मिक्सी में। काजू और बादाम पिस्ते के साथ पीसेंगे एक टेबलस्पून खसखस, एक टेबलस्पून चिरौंजी। फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका। ड्राई फ्रूट्स को पानी डालकर पीस दिया है, अब इसमें 1/2 किलो दही डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। सब कुछ साथ में ग्राइंड कर देंगे। मटन हमारा प्रेशर कुक हो चुका है, नेचुरली प्रेशर निकलने पर कुकर खोल दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट ऐड करेंगे, जिसमें हमने क्रीम और दही भी पीसा था। गैस ऑन करेंगे और 1-2 बॉईल ले लेंगे हाई फ्लेम पे। 2 मिनट तक ग्रेवी बॉईल हो चुकी है, अब इसको हटाकर दूसरे गैस पे ट्रांसफर करेंगे और एक पतीली ले लेंगे। 2 टेबलस्पून देसी घी, 2 टेबलस्पून तेल गरम हो गया है, इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। दूसरे गैस पर हमारी मटन ग्रेवी बॉईल हो रही है। जीरे ने चटकना बंद कर दिया है, अब इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। हमारा मटन करी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 2-3 बॉईल आ गया है, अब गैस ऑफ कर देंगे। व्हाइट मटर कोरमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।